नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज एक न्यूज़ में लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही बेस्ट न्यूज़ है और ख़ास तौर से ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है भाई मेरे, जो NRI बन के विदेशों में बैठे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि पहले बंदा इंडिया में धक्के खा के, कैसे भी मान लीजिए, ये ज़्यादातर हाई एजुकेशन या हाई स्किल्ड के जॉबों में ज़्यादा हो रहा है। होता क्या है, शॉर्टली तरीके से बता दूँ, ये राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट आई है कि 1 अप्रैल 2019 से 27 फरवरी 2020 तक 2024 मामले राज्य महिला आयोग के पास पहुंचे हैं। और मामले कौन से हैं मैं बता दूं, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही जानकारी वालों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो भाई देखिए, मैं बता दूँ कि NRI जो लोग जो अमेरिका, यूके, यूएसए या फिर कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इटली जाके लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, या फिर जिन्होंने इंडिया में, मेन चीज़ उन पे टॉपिक पे बात करूँगा, जिन्होंने इंडिया में शादी कर ली, लंबे समय तक अपनी पत्नियों को वो फ़ोन तक जिन्होंने करना बंद कर दिया, या वो उनके साथ रहना नहीं चाहते, या उनको वो मतलब रखना नहीं चाहते, इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे शादी करके बंदा चला गया विदेश, 6 महीने शादी को, उनकी वाइफ अकेली है, किसी को बच्चे भी हैं, वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं रहे, बच्चे, घर परिवार, जिम्मेदारी, वैवाहिक जिम्मेदारियाँ वगैरह वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनका मोटा काम होता है पैसा कमाना, या फिर वो लोग वहाँ पे शादियाँ भी कर लेते हैं अपनी, यहाँ की जो ओरिजिनल शादी हुई है हिंदुस्तान में उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो भाई 2024 मामले लगभग 10 महीने में इंडिया में हुए हैं। महिला राज्य आयोग एकदम सख्त है इस चीज़ में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ध्यान दे लीजिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे वीडियो विदेशों में भी लोग देखते हैं, इंडिया में भी जो विदेश में जाके शादी करने का सपना ले रहे हैं, इंडिया में शादीशुदा होते हुए, उनके लिए मैं बता दूं महिला आयोग सख्त हुई है। साफ साफ विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए गए, ऐसे NRI जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उनको टाइम पे पैसा वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की मोड में है महिला राज्य आयोग, जिसमें उनके पासपोर्ट कैंसिल होंगे, ये पत्र डाला गया है विदेश मंत्रालय को। और उनमें से बहुत सारे लोगों को जैसे पता चला कि अपनी पत्नी ने महिला आयोग में एप्लीकेशन दे दी अपने खिलाफ में कि बंदा विदेश बैठा है, मेरा हस्बैंड मेरे से, मतलब वो जो भी प्रोसेस मैंने पीछे बताया, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है महिला आयोग या विदेश मंत्रालय, बाकायदा NRI पति के पास फोन गया कि देख ले भाई, या तो तू तेरा परिवार सुधारना चाहता है या फिर तेरा पासपोर्ट ही कैंसिल। पासपोर्ट कैंसिल होने का मतलब क्या होता है, बंदे का नहीं घर का, नहीं घाट का, नहीं तो इंडिया से बाहर जा पाएगा कभी, और नहीं फिर वहां से वापस आ गया, मतलब मैटर खत्म है। तो NRI जो बंदे हैं विदेश में जो बैठे हैं, खास तौर से यूरोप कंट्रियों में, उन वो ध्यान दे लें अपनी पत्नियों को भाई, समय पे टाइम दें। ये वीडियो मैं डिमोटिलाइज के लिए नहीं बना रहा हूँ, मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ कि आप अब पैसा कमाने के चक्कर में, बहुत सारे लालच के चक्कर में अपने घर परिवार, बीवी बच्चों को भूल रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। उनको टाइम देना, बिजनेस एक तरफ है, नौकरी एक तरफ है, लेकिन समय पर उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान दें, अगर वो खुश हैं तो आपका काम सेटल है, अगर वो दुखी हैं तो आप अपने आप दुखी हो जाओगे। राज्य महिला आयोग सख्त है, विदेश मंत्रालय आपके पासपोर्ट कभी भी कैंसिल कर सकता है जिनकी पत्नियों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी है। तो ध्यान दें, जिन्होंने दिए उनको पता है 2024 10 महीने में 2000 मामले चल रहे हैं, तो उनमें से देख लीजिए कितनों के खिलाफ गाज गिरती है। तो जल्दी से अपनी पत्नियों को भाई फ़ोन करें, खुश करें, उनको विश्वास में लें, और जैसे दोनों तरफ से मैचिंग होती है वैसे है। ये नया फॉर्मूला आज की डेट में, ये अखबार की न्यूज़ है, साथ में मैं एड में डाल दूंगा ताकि कई लोग बोलते हैं फेक वीडियो बनाते हो, तो मैं एविडेंस हर वीडियो में साथ में देता हूँ ताकि सबको ये सच्चाई सामने रहे। और ख़ासतौर से NRI बंदों के लिए नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, NRI जो पति हैं उनके खिलाफ अगर आपके साथ, इंडिया की बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज इसी तरीके की सही जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।